to you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore and luxury car. Download now. इंडियन क्रिकेट और केएल राहुल के फैंस के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। केएल राहुल, जो कि आईपीएल और डब्ल्यूटीसी फाइनल से इंजरी के कारण बाहर हो गए हैं, उन्होंने मंगलवार रात सोशल मीडिया पर अपनी चोट को लेकर बड़ी अपडेट दी है। केएल ने अपनी सर्जरी का कंफर्मेशन दिया है और बताया है कि उनकी सर्जरी सफल रही है और अब वो ठीक हो रहे हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ने सर्जरी करने वाले डॉक्टरों और अपने फैंस को उनके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद किया। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर केएल राहुल ने लिखा, मैंने अभी अभी अपनी सर्जरी की है और ये सफल रही है। डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनिश्चित करने के लिए मैं कंफर्टेबल था और सब कुछ ठीक हो गया। मैं आधिकारिक तौर पर रिकवरी मोड में हूँ। मैं अब ठीक हो रहा हूँ। मैं अपना बेस्ट देने और मैदान पर वापसी करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के खिलाफ खेलते हुए केएल राहुल चोटिल हो गए थे, जिसके कारण उन्हें आईपीएल 2023 से बाहर होना पड़ा। डब्ल्यूटीसी फाइनल, जो कि 7 जून को लंदन के ओवल में खेला जाएगा, इस अहम मुकाबले से भी राहुल बाहर हो गए हैं। राहुल की जगह सिलेक्टर्स ने ईशान किशन को स्क्वाड में शामिल किया है। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।